Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a very relevant topic nowadays, that is impact of social media on gender formation. And the lecture will be in bilingual mode and will be useful for your usual examinations, your usual understanding, your usual awareness around these two most important topics nowadays, social media and gender formation. So do subscribe my channel too and let's start. First of all, gender. ये ऐसा शब्द जो सबसे बहुत यूज होता है आजकल और ये इतना प्रचलन में आ गया है कि अब जनरली हम जानने लगे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. फिर भी चूंकि टॉपिक हमारा जेंडर फॉर्मेशन से रिलेटेड है इसलिए हमको थोड़ा सा क्विकली जानते हैं जेंडर के बारे में कि जो सेक्स है वो तो क्या है. इट रिफर्स टू द बायोलॉजिकल डिवीजन इनटू मेल एंड फीमेल, है ना, कि वो मेल है कि फीमेल है. इसका जो बायोलॉजिकल डिवीजन है वो सेक्स, उसको सेक्स कहते हैं. और जेंडर किसको कहते हैं? जेंडर to the parallel and socially unequal division into femininity and masculinity. यानी कि जब gender की बात की जा रही है तो ये एक socially unequal division है. यानी कि जैसे ही gender का हमारे दिमाग में concept आएगा, शब्द आएगा, वैसे ही क्या बात दिमाग में आ जाएगी, कुछ कुछ unequal है, कुछ ऐसा है जो बराबर बांटा नहीं जा रहा है. feminine और being feminine और being masculine होना equal नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि सोशली अनइक्वल डिवीजन इनटू फेमिनिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी कंसीडर टू बी जेंडर. एंड जेंडर इज ऑफन डिफाइंड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉर्म्स, यानी कि वो नॉर्म्स जिसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक रूप से रचना हुई है, बिहेवियर्स एंड रोल्स दैट वेरीज बिटवीन सोसाइटीज एंड ओवर टाइम. यानी कि उस तरीके के व्यवहार और कौन सी भूमिकाएं निभाएंगे बीइंग अ फीमेल बीइंग अ मेल, जो कि सोसाइटीज के बीच में वेरी करता है, अंतर है उसमें, और ओवर टाइम भी अंतर करता है. मतलब हिंदुस्तानी महिलाएं भी 10 साल पहले 20 साल पहले कैसे बिहेव करती थी, क्या उस वक्त उनके लिए सही था, क्या आज उनके लिए सही है या न्यायोचित है या समाजोचित है, वो बदल गया है. Hence it is not a fixed or innate fact. यानी कि वो ऐसा fact नहीं जो fixed है, हमेशा वैसे ही रहेगा या हम जन्मजात उसको लेकर पैदा हुए हैं. But instead it varies across time and place. बल्कि इसके बजाय ये क्या है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है. इसके अलावा जेंडर क्या है, अगर केसलर एंड मैकेना के 1978 की डेफिनेशन देखें कि जेंडर यूज टू बी सीन एज द साइकोलॉजिकल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस. यानी कि बीइंग अ मेल पुरुष और स्त्री के होने के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो जेंडर कहलाते हैं. और हम इस तरह से कह सकते हैं कि तीन हमको विशेषताएं जेंडर की पता चल गई, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर. पहली क्या है, इट इज इट इज एज मच अ प्रोसेस एज अ फिक्स्ड डेट. यानी कि ये उतना ही प्रक्रिया भी है और जितना कि ये एक तरीके की फिक्स्ड डेट है. यानी कि फिक्स्ड डेट भी है, प्रक्रिया भी फिक्स्ड डेट, इन द सेंस कि इतनी जल्दी नहीं चेंज होता है, चेंज होता है ओवर द टाइम. इट इज नॉट सिंपली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल्स बट अकर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर. यानी कि ये सिर्फ व्यक्ति की जो सिंपली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इंडिविजुअल्स की, बल्कि हर लेवल पे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी रचना जेंडर के हिसाब से ही है. और जेंडर रिफर्स टू इट्स इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजिंग रिलेशंस ऑफ इनइक्वालिटी. इसका मतलब कि इनइक्वालिटी या जो अनइक्वल डिवीजन है वो जेंडर के मूलभूत में है, मूल में है, उसकी जड़ में है. फिर सोशल मीडिया. सोशल मीडिया वो टर्म जिसको हमने इतना यूज किया और सोशल मीडिया को जितना हम यूज कर रहे हैं, मतलब पिछले 10, 15, 12 सालों में इतना इसने हमारे जनजीवन को प्रभावित किया है. तो सोशल मीडिया है क्या? दीज आर वेब बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स. यानी है तो संप्रेषण के ही टूल्स, उपकरण, लेकिन वेब बेस्ड है. यानी कि इसमें ऑनलाइन होना आपको जरूरी है. दैट इनेबल पीपल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय शेयरिंग एंड कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन. जिसमें हम और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे, उनसे इन्फॉर्मेशन या तो कंज्यूम करते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं. सोशल मीडिया एज वी नो इट हैज बेयरली रीच्ड इट्स 20th बर्थडे. मतलब मुश्किल से अभी 20 साल हो रहे हैं सोशल मीडिया के अगर हम उद्भव को देखें तो. बट इट हैज चेंज द फैब्रिक ऑफ एवरीडे लाइफ. लेकिन इसने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है. इन लिटिल मोर देन इंडिकेट, मतलब कि 10 साल से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है, द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया हैज गॉन फ्रॉम बीइंग एन एंटरटेनिंग एक्स्ट्रा टू ए फुल्ली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ फॉर मैनी. यानी कि मुश्किल से 10-12 साल हुए और सोशल मीडिया का इंपैक्ट ऐसा हो गया कि पहले जो था इंटरटेनिंग एक्स्ट्रा, यानी कि हमें कुछ इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे, से लेकर अब ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में हर तरीके से अंगीकृत हो चुका है. और अगर हम ये कहें कि सभी के नहीं तो बहुतों के.
और फिर हम जाने कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कौन से बहुत यूज किए जाते हैं, कौन सा टॉप मोस्ट पे है। तो फेसबुक इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया साइट विद मोर देन 2 बिलियन पीपल यूजिंग इट एवरी मंथ, यानी कि प्रत्येक माह 2 बिलियन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया साइट जो फेसबुक है उसको यूज करते हैं। दिस मींस दैट रफली 36.9% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर फेसबुक यूजर्स, यानी विश्व की लगभग 37% जनसंख्या जो है वो फेसबुक यूजर है। YouTube इज अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स वॉच अ बिलियन आवर्स ऑफ वीडियोस एवरी डे, हर दिन बिलियन आवर के वीडियो देखे जाते हैं YouTube पे, जो कि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और गूगल का ही है। एंड WhatsApp इज अ मैसेजिंग ऐप यूज बाई पीपल इन ओवर 180 कंट्रीज, मतलब 180 से ज्यादा देशों में WhatsApp को मैसेजिंग ऐप की तरह यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में कितने ज्यादा लोग हैं जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं। तो इसका मतलब कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। फिर सोशल मीडिया एंड जेंडर, मतलब जेंडर क्या है, सोशल मीडिया क्या है, अब सोशल मीडिया और जेंडर आपस में क्या है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सम फेमिनिस्ट कमेंटेटर्स प्रेज द राइज ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूडिंग वेबसाइट्स सच एज फेसबुक बिकॉज दे प्रिविलेज एक्सप्रेसिवनेस एंड सोशल स्किल्स ट्रेट्स ऑफन कंसिडर्ड फेमिनिन। ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के राइज को कुछ जो फेमिनिस्ट है वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसा इसकी की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें वेबसाइट जैसे फेसबुक है वो उसको जो फेमिनिन ट्रेड है, जिसको फेमिनिन माना जाता है कि सोशल स्किल्स, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, शेयर करना, सोशल होना, ये सब फेमिनिन चीजें मानी जाती है, मैस्कुलिन ये ट्रेड्स नहीं है, तो इनको ये प्रिविलेज देता है। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है। इंडीड विमेन आउट नंबर मेन इन सोशल मीडिया, और यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, ज्यादा महिलाएं सोशल मीडिया यूज करती है। वन ग्लोबल स्टडी रिपोर्टेड दैट 76% ऑफ ऑनलाइन विमेन यूज सोशल मीडिया एज कंपेयर टू 70% ऑफ ऑनलाइन मेन, यानी कि जहां 70% मेन ऑनलाइन होते हैं वहां 76% महिलाएं हैं। फेमिनिस्ट होप दैट सोशल मीडिया वुड सर्व एज स्पेसेस टू एम्पावर यंग वुमेन टू कार्व आउट देयर ओन आइडेंटिटीज दैट माइट काउंटर मेनस्ट्रीम मीडिया स्टीरियोटाइप्स। इंडीड सम होप दैट वुमेन कुड कंस्ट्रक्ट न्यू और ऑल्टर्ड डेफिनेशंस ऑफ व्हाट अल्टीमेटली मींस टू बी अ गर्ल। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे फेमिनिस्ट जो महिलावादी हैं उन्होंने ये आशा जताई कि सोशल मीडिया इस तरह से काम कर सकता है कि वो यंग वुमेन को एम्पावर करे ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को खोज पाए, वो कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया स्टीरियोटाइप से हट के काम करें और कुछ ऐसा करें जो अल्टीमेटली उनको बताए कि बीइंग अ गर्ल होने का क्या मतलब होता है, कुछ अल्टर डेफिनेशन, कुछ बदली हुई परिभाषा परिभाषित कर सकें वो। तो इस तरीके का काम सोशल मीडिया कर सकता है। लेकिन और जेंडर इक्वालिटी, भाई जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी और इक्विटी का आप बहुत बार बात की जा चुकी है, आप जानते होंगे। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको समान ट्रीटमेंट देना, लेकिन जब असमान लोगों को आप समान ट्रीटमेंट देते हैं तो एक्चुअली आप असमानता को बढ़ाते हैं, इसलिए इक्विटी की बात की जाती है, समता, मतलब कि आप उसको जरूरत के हिसाब से दें। तो यहाँ पे खैर जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू जेंडर रोल्स नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस मेन एंड वुमेन ऑफन डू नॉट शेयर द सेम अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज एंड पोजीशंस इन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये कह ही रहे हैं कि जेंडर्ड होने का मतलब ही ये है कि सोशली अनइक्वल पोजीशन, यानी कि नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन जो है, जो मानक हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो पुरुष और महिला से अलग अलग है, इसलिए उनको सेम अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज और पोजीशन सोसाइटी में नहीं मिलती। Men tend to be seen as the standard, while women and the contributions they make to society can be invisible. जो पुरुष करते हैं उसको एक तरीके का मानक माना जाता है, महिलाएं और महिलाओं का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसको अदृश्य कर दिया गया, मतलब उनका हाउस होल्ड कोर और ये सब, ये मान के कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो उनको करना ही है। जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट वुमेन एंड मेन एंजॉय द सेम लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्टेटस इन सोसाइटी। तो माना गया कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए ताकि पुरुष और महिलाएं एक सेम स्टेटस को एंजॉय कर सकें, सेम रिस्पेक्ट को एंजॉय कर सकें सोसाइटी में। इट ऑल्सो मीन्स पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स हैव द सेम एंटाइटलमेंट्स टू ह्यूमन राइट्स, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड एबिलिटीज टू मेक चॉइसेस अबाउट देयर लाइव्स। वो कह रहे हैं इसका ये भी मतलब है कि पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, उनको समान तरीके के अधिकार मिले, अवसर मिले समान, और एबिलिटीज उनके पास हों जिससे कि वो चॉइसेस चुन सके अपने जीवन के बारे में। अल्टीमेटली प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग द पावर रिलेशंस बिटवीन वुमेन एंड मेन इन ऑर्डर टू क्रिएट ए मोर जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल। तो अल्टीमेटली है क्या कि जेंडर इक्वालिटी की प्रमोशन से होगा क्या कि जो पावर रिलेशंस हैं, जो शक्ति का जो रिलेशनशिप है, वो वुमेन और मेन के बीच में एक जैसा हो, जिससे कि हम एक न्यायपूर्ण समाज की रचना कर सकें।
लेकिन सोशल मीडिया एक्चुअली करता क्या है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, जबकि उसको जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का रोल से अलग पोर्ट्रेयल करना चाहिए. मीडिया नर्चर जेंडर रोल्स एंड बिहेवियरल ट्रेट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड फोटोज वेयर वीमेन्स रोल्स वेरीज फ्रॉम चाइल्ड केयर टू वर्क प्लेस एक्टिविटीज डिस्प्लेइंग वीमेन्स डिपेंडेंस व्हाइल ऑन द अदर हैंड मेन आर पोर्ट्रेड एज मोर इंडिपेंडेंट एंड लेस लाइकली टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. यानी कि जो जेंडर रोल्स है जो समाज में चल रहा है, जो रूढ़िवादी समाज में चल रहा है, उसी को वो पोर्ट्रे करता है अपने एडवर्टीजमेंट में, फोटोज में, जहां दिखाता है कि वुमेन का जो रोल है वो क्या है कि वो बच्चों की देखभाल कर रही है, इस तरीके के काम कर रही है, और वो डिपेंडेंट है, जबकि पुरुष को दिखाया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने इमोशंस कम एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज ये मैनली कैरेक्टर माना जाता है. सो ऑल्दो द डिजिटल वर्ल्ड गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस अवरसेल्व्स थ्रू अवर ई आइडेंटिटी, इन रियलिटी डिजिटल सेटिंग्स simply lead us to the replication of the existing norms and culture of the tangible world related to gender. मतलब कि digital world जिसने हमको ये opportunity दी कि हम अपना identity को explore कर सकते हैं, हम कुछ अपना नीके बना सकते हैं वहाँ पे, actually वो जो existing norms और culture जो हमारी society का है उसी का replication बन गया है. फिर added to this अगर इसमें और जोड़ने तो कहा जा सकता है कि social media and gender prejudices affect the perception of women's body image. जो वुमेन की बॉडी का जो बॉडी इमेज है उसके लिए भी ये प्रेजुडिस है. जैसे कि मास मीडिया डिमॉन्स्ट्रेट स्पेसिफिक रोल मॉडल्स एंड इमेजेस ऑफ फीमेल ब्यूटी, यानी कि फीमेल अगर है तो वो ऐसी ही होनी चाहिए कि गोरी, सुंदर, पतली, छरहरी, है ना, इस तरीके की. फीमेल्स आर प्रोन टू इंटरलाइज अ कंटेम्प्रेरी कल्चरली स्टीरियोटाइप स्टैंडर्ड ऑफ फीमेल ब्यूटी प्रेजेंटेड ऑनलाइन एंड देयर वेलबीइंग वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजिटल जेंडर डिस्प्ले. यानी कि इस तरीके से पोर्ट्री किया जाता है कि अगर आप हैं महिला हैं तो आपको इसी तरीके के ढांचे साँचे की होनी चाहिए. और स्टीरियोटिपिकल जेंडर पोर्ट्रेयल किस तरह से करता है मीडिया, प्रेफरेंसेस फॉर जेंडर अप्रोप्रिएट मीडिया कंटेंट, टॉयज, गेम्स एंड एक्टिविटीज. यानी कि जेंडर अप्रोप्रिएट, यानी कि लड़का है तो किससे खेलेगा, लड़की है तो उसके लिए कौन टॉय होना चाहिए, कौन से गेम्स होने चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी होना चाहिए, टू ट्रेडिशनल परसेप्शंस ऑफ जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स. और इसके अलावा एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस फॉर फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज ऑफ लाइफ. ये सब जेंडर पोर्ट्रेयल, स्टीरियोटिपिकल जेंडर पोर्ट्रेयल मीडिया करता है, सोशल मीडिया करता है. वुमेन आर फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रेड इन स्टीरियोटिपिकल एंड हाइपर सेक्सुअलाइज्ड रोल्स इन एडवर्टाइजिंग एंड द फिल्म इंडस्ट्री व्हिच हैज लॉन्ग टर्म सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. वेमेन को जनरली फ्रीक्वेंटली स्टीरियोटिपिकल रोल में ही पोर्ट्रे किया जाता है, जिसके कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं कि हम अपने आप को रोल मॉडल हमको हमारे लिए वही रहता है, उससे इधर साधारण महिलाएं अपने लिए सोच नहीं पाती हैं. एंड मेन आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू स्टीरियोटिपिंग इन द मीडिया. देखिए जब भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा फीमेल की बात करते हैं, मेल को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेल भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के उतने ही शिकार हैं, अगर उतने नहीं तो फिर भी शिकार हैं उस हद तक अगर नहीं है. क्यों? दे आर टिपिकली कैरेक्टराइज एज पावरफुल एंड डोमिनेंट. यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको शक्तिशाली और डोमिनेंट होना ही होगा. देयर इज लिटिल रूम फॉर अल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ मैस्कुलिनिटी. मैस्कुलिनिटी के अल्टरनेटिव वर्जन्स सोशल मीडिया के पास नहीं है. द मीडिया टेंड्स टू डिमीन मेन इन केयरिंग और डोमेस्टिक रोल्स. यानी कि जो केयरिंग में और डोमेस्टिक रोल्स में मेन लगे हुए हैं उनको डिमीन करता है मीडिया, और दोज हु अपोज वायलेंस या जो संघर्ष को, हिंसा से दूर भागते हैं उनको डिमीन करता है. सच पोर्ट्रेयल्स कैन इन्फ्लुएंस परसेप्शंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट सोसाइटी में एक्सपेक्ट फ्रॉम मेन एंड वीमेन. तो ये पोर्ट्रेयल हमको ये दिखाते हैं कि समाज क्या चाहता है एक महिला और औरत से, महिला और पुरुष से, कि उन्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए. और स्टीरियोटिपिकल जेंडर पोर्ट्रेयल की बात करें तो इरविन गॉफमैन ने एक फ्रेम एनालिसिस करके हमको निकाला कि ये 6 कैटेगरीज हैं जिनके तहत विमेन को सबऑर्डिनेट दिखा जाता है मेन से. रिलेटिव साइज, साइज छोटा रख के, या फेमिनिन टच दिखा के, या फंक्शन की रैंकिंग कम रख के, या फेमिनिन सीन में कुछ ऐसा रोल दिखा के, या रिचुअलाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेशन से, या लाइसेंस विदड्रॉल से. यानी कि हमने विदड्रॉल कर लिया, अपने आप को सिचुएशन से खींच लिया है. ठीक. और वॉट सोशल मीडिया कैन डू, लेकिन सोशल मीडिया क्या कर सकता है. वी स्ट्रांगली बिलीव, हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल मीडिया कैन प्ले. मतलब मीडिया एक बहुत बड़ा रूपांतरण, एक रोल प्ले कर सकता है इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटीज. कैसे? बाय क्रिएटिंग जेंडर सेंसिटिव एंड जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट एंड ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स. जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बता दिया गया कि महिला को इस तरह से रहना है, पुरुष को इस तरह से रहना, उसको ब्रेक कर सकता है, जेंडर सेंसिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट दिखा सकता है.
by challenging traditional social and cultural norms and attitudes regarding gender perceptions, both in content and in the media houses, by showing women in leadership roles and as experts on a diversity of topics on a daily basis, not as an exception. इसके अलावा, the media industry needs to be encouraged to produce gender transformative content and to develop self-regulatory equality policies, including access to decision-making positions. मतलब कि gender media industry को encourage किया जाना चाहिए कि वो gender transformative content बनाए, self-regulatory equality policies develop करे, है ना? Monitoring and evaluation mechanisms need to be set up to assess the process within the progress within the sector, thereby creating gender equality in content, workplace and management. यानी कि content में, workplace में, management में हर जगह जेंडर इक्वालिटी को क्रिएट कर सकता है सोशल मीडिया. और रोल ऑफ मीडिया इन जेंडर इक्वालिटी, मीडिया से आप किस तरह से जेंडर इक्वालिटी पा सकते हैं. मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ पीपल फॉर्म देयर आइडेंटिटी, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन रिलेशन टू जेंडर. रिसर्च शोज दैट फ्रॉम अ यंग एज चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेंडर स्टीरियोटाइप्स दैट मीडिया प्रेजेंट टू देम. जो मीडिया उनको दिखाता है, बच्चे बचपन से उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके मन में एक कैसा एक पुरुष होना चाहिए, स्त्री को किस तरह से समाज में बिहेव करना है, उसकी धारणा बन जाती है, वो प्रभावित होते हैं उससे. तो मीडिया कैन परपिचुएट जेंडर इनइक्वालिटी, तो जेंडर इनइक्वालिटी को परपिचुएट कर सकता है मीडिया, लेकिन इट हैज आल्सो द पावर टू एड्रेस एंड चैलेंज देम. इसके पास वो भी शक्ति है कि वो उसको चैलेंज कर सके. देयर इज एन इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर मीडिया टू शो मोर बैलेंस्ड इंक्लूसिव एंड डाइवर्स पोर्ट्रेयल्स ऑफ जेंडर. मीडिया के पास इतना पोटेंशियल है, इतना विभव है कि वो एक बैलेंस्ड, एक समेकित, एक संतुलित और डाइवर्स पोर्ट्रेयल जेंडर का शो कर सके, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू ए मोर जस्टिस वाली, जिससे कि हम ज्यादा न्यायप्रिय, न्यायपूर्ण समाज की रचना कर सके. और मीडिया क्या कर सकता है, वाइडर वैरायटी ऑफ रोल्स एंड बिहेवियर्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स शो कर सकता है, देयर बाय चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज एंड एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ पीपल सोसाइटी लुक्स अप टू एज रोल मॉडल्स. यानी कि सोसाइटी में बच्चे जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में किसको रोल मॉडल माने, उसके लिए वो डाइवर्स रोल शो कर सकता है कि विमेन सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, मेन सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है. ओके, तो ये है सोशल मीडिया का रोल जेंडर फॉर्मेशन में. यानी कि एक्चुअली वो जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल ही पोर्ट्रे कर रहा है, पर हम ये मान के चले या आशान्वित हो कि वो उसको पार भी, उसके पास ये पार है कि वो चैलेंज कर सकता है और हमको हेल्पफुल हो सकता है, हमारे लिए सहायक हो सकता है कि हम मोर जस्ट जेंडर जस्ट सोसाइटी का निर्माण कर सके. तो ये एक जनरल टॉपिक है सोशियोलॉजी के, जेंडर स्टडीज के, विमेन स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए, इन जनरल सभी के लिए फ्रूटफुल आई थिंक सो. सो आई हैव डन इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप 2. ओके, डन फ्रॉम माय साइड.